राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए, वो इस तरह से लगेगा। ले करते हैं फिट भाई, इन दोनों को मत लेना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ओ बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो पहले के कुछ वीडियोस में आपने देखा कि मैंने अपनी हिमालयन 450 में बहुत सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल की हैं, जिनमें आप ये क्रैश गार्ड देख सकते हैं, सम गार्ड देख सकते हैं, रेडिएटर ग्रिल, टॉप प्लेट और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं। और आने वाले वीडियोस में और भी एक्सेसरीज इंस्टॉल करूँगा। तो आज उसी क्रम में, क्योंकि मैं अपनी बाइक को टूरिंग के लिए रेडी कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं नेपाल मस्तांग के लिए निकलूँगा, इस बाइक से टूर स्टार्ट करूँगा, तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में मुझे सैडल स्टे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने बाइक में सैडल स्टे। ये आता है मोटोटॉर्क की तरफ से। इसके बारे में बताने से पहले और इसको इंस्टॉल करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, तो अगर ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे या आपको अच्छा लगे किसी भी तरह से, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये मोटोटॉर्क का सैडल स्टे कैसा है। ये कुछ इस तरह के डब्बे में आता है। इसमें आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है इस तरह का एक राइट साइड का, इसको नीचे रखता जा रहा हूँ, ये मिलेगा आपको लेफ्ट साइड का, ये सैडल बैग लगाने के लिए दो साइड में दो हैं, इसमें आप इस तरह से क्लैंप कर देंगे तो बैग इस पर टिक जाएगा आसानी से, ये दो, और दोनों सैडल्स स्टे को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पीछे से ये एक कनेक्टर, और इसके साथ आपको मिलेगा ये एक बोल्ट्स का डब्बा। बोल्ट्स के डब्बे में क्या क्या है अगर आपको दिखाएं, तो इसमें टोटल 10 बोल्ट्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, जो ये चार लंबे लंबे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे हैं, वो फिट करते करते आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। और साथ ही आज मैं दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और हैं जो मोटोटॉर्क की तरफ से ही हैं, उनको भी अपनी बाइक में इंस्टॉल करूँगा। तो ये हो गया फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो ऑयल कंटेनर रहता है, उसके ऊपर ये गार्ड लगाऊँगा। और दूसरा जो है, अगर आप इधर आ जाएँ तो इधर आपको दिखाएँगे ये रिज़र्व ऑयल का जो बॉक्स है, ये बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर भी कवर लगाएंगे और इसको भी थोड़ा सेफ करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और ये नीचे ये मास्टर सिलेंडर का जो है, इसका कवर भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कवर जो ऑलरेडी पहले कंपनी ने फिट करके दिया है, ये मुझे काफ़ी पसंद है और बहुत कॉम्पैक्ट सा है और ये सेफ ही दिख रहा है, तो इसको मैं नहीं चेंज करूँगा फ़िलहाल। आगे देखता हूँ क्या प्लान बनता है। तो अब इंस्टॉलेशन की वीडियो शुरू करते हैं और पहले आपको एक ज़मीन में डायग्राम जैसा सजा करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन से बोल्ट्स कहाँ लगेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, और इसमें देखिए मोटोटॉर्क लिखा हुआ है, ये इस साइड में आएगा। आप अपनी बाइक जिस तरह से भी खड़ी करो, आप देख लेना। और इसके साथ ये अपना सैडल बैग के लिए जो क्लैंप है वो इस तरह से लगेगा, उसमें भी दो मैंने बोल्ट फंसा के रखे हुए हैं, सेम एज़ इट इज़ इधर भी फंसा के रखे हुए हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, और बाइक में चार बोल्ट्स जो लगे हुए रहते हैं सीट के नीचे, वो चारों चेंज हो जाएंगे, ये नए वाले बोल्ट से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लगाना पड़ेगा उसमें। तो ये कुछ इस तरह का है। अब चलिए फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं, उससे आप समझते चले जाएंगे कि कैसे कैसे मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा यहाँ पे काम है, ये देख रहे होंगे मैंने सीट खोल के रखा हुआ है। पहले तो आप सिंपली सीट को निकाल लें। ये सब मैं खोल करके रखा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, और ये टी शर्ट भी मेरा फट गया, और आप लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो। तो चलिए, ये तो जो का पार्ट, तो सीट पहले हटा देंगे, उसके बाद ये सामने आप जो वोल्ट देख रहे हैं, इधर सामने आ जाइएगा, इन दोनों को आपको खोलना होगा। तो इनको मैंने खोल के ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। सेफ रखना भाई, क्योंकि एक बोल्ट गुम होगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। और ये जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, इधर दिखाइएगा, ये ब्लैक कलर का जो दो एलन बोल्ट्स है उनको खोलना है, स्टील वाले को नहीं खोलना है। तो इनको भी मैं ढीला करके रखा हूँ, ये निकालते हैं, ये बड़े काम की चीज़ है ये टूल बॉक्स, ये तो आप रखना ही रखना, छोटे मोटे काम ऐसे ही निपटा लोगे। तो इसको खोल लेते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ था, इसको खोल लें, नट बड़ी अच्छे से रखें। अब उधर जाते हैं,
इधर भी एक ही ब्लैक वाला जो एलन बोल्ट है, इसको आप फिर इसको भी खोल लें। मैंने ढीला करके ऑलरेडी रखा हुआ था, इसको भी सेफ से रख लें और इसको धीरे से नीचे रख दें, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको आप डिसकनेक्ट करके हटा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। सिंपल है, क्योंकि वो वायरिंग का सिस्टम है, अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप हटा ही लेना आराम से अगर करना है। मैं तो ये थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में आया हूँ तो चाह रहा हूँ कम से कम पार्ट खोलूँ। अब उसके बाद क्या होगा कि इस सेट को नज़दीक आइएगा, दिखाइए, ये जो है इस बोल्ट को निकालेंगे, यहाँ लंबा बोल्ट एक लगेगा, इसको भी खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे। ये इधर देख रहे हैं आप एलन बोल्ट लगा हुआ है, तो चलिए इसको खोलते हैं। तो फाइनली ये देखा आपने, इसको मैंने निकाल लिया, और ये नीचे वाला जो पीछे का गार्ड है वो आप निकाल ही लेना, क्योंकि एक बार मेरे हाथ से ये मिस हो गया था तो कहीं उसमें स्क्रैच ना लग जाए। तो एक पिन क्लिक करके मैंने देखा होगा निकाल ही लिया था। तो अब करते हैं फिट, तो एक साइड का इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पे एक बोल्ट चला जाएगा, जगह दिया हुआ है कंपनी ने, और ये इसको हमें इस तरह से करके फिट करना है। एक आदमी में बहुत दिक्कत होती है भाई साहब। तो ये कुछ इस तरह का आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड मैंने फिक्स कर दिया है। खोलने में जो परेशानी है वही होगी। अब मैं इसमें नट लगाता हूँ और सारे को टाइट करता हूँ। तो फाइनली ये देख रहे हैं दोनों साइड का जो है बढ़िया से फिक्स हो गया, मैंने टाइट भी कर दिया। अब ये नीचे वाले ये मड गार्ड को सेट करते हैं, इसको लगाते हैं। पहले बाइक थोड़ी बड़ी लगने लग गई है। अब ये बाकी सीट वीट इंस्टॉल करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये देख रहे हैं सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका है। अब ये पीछे का जो कनेक्टर है जो इस तरह से लगेगा, ये आप देख पा रहे हैं, इजी है, इनको भी कसता हूँ और ये दो साइड में ये यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मैं ये अभी नहीं लगा रहा हूँ कि जब मैं प्लान करूँगा जाने का तब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, फिर बगैर गंदा रहे होता रहे इससे क्या फ़ायदा। और ये साड़ी गार्ड जो है ये लगा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है, क्या मुझे इसे निकाल देना चाहिए या रहने देना चाहिए? अगर आपके उच्च विचार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो चलिए इसको भी फिक्स करते हैं। तो ये आपने देखा फाइनली मेरा सैडल स्टे जो है इंस्टॉल हो गया, और ये बहुत कमाल की चीज़ है। पीछे से जब कुछ छोटा मोटा इंपैक्ट होगा तो उसमें थोड़ा हेल्प भी करेगा ये। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और ये फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो ऑयल कंटेनर होता है, इसके लिए भी गार्ड लाया था, मैंने मंगवाया था, ये भी मोटो टॉर्क्स की तरफ से ही है। सारे का प्राइस जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वेट करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे लिंक्स भी डाल दूंगा। तो चलिए इसको भी फटाफट फिट करते हैं। इसमें दो स्क्रू जो है साथ में आपको मिलेगा। अब इसको खोलते हैं और इसको फिक्स करते हैं। ये देख रहे हैं इसके साथ जो बोल्ट आया था ये एलेंकी वाला, लेकिन ये काम नहीं आ रहा है, ये छोटा है मेरे ख्याल से क्या छोटा है, वो आ नहीं रहा। तो मैंने पुराने वाले को जो इसमें से खोला था वही लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर है कि शायद ये लीक कर सकता है, तो इसको मैं नहीं लगाने वाला हूँ। इसको चेंज करके दूसरा इंस्टॉल करेंगे। और चलिए इधर पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रिज़र्व कंटेनर के लिए जो है इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसको खोल लेते हैं फटाफट। तो भाई ऐसा है, ये फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो ऑयल कंटेनर था उसका
कवर मैंने लगाया लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं संतुष्टि ये दे नहीं रहा। प्लस ये रिजर्व ऑयल के लिए भी जो मैंने मंगवाया हुआ था ये भी मेरे को संतुष्टि नहीं दे रहा था। इन दोनों को मैंने निकाल दिया है। आगे फ्यूचर में कुछ दूसरा प्लान करेंगे, कुछ और नया लगाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन सैडल स्टे तो भाई ज़बरदस्त है और हाईली रिकमेंडेड है। वाटर कोटेड पेंट है, ज़बरदस्त फिट है और इंस्टॉल भी करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप घर में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। और वीडियो एंड करने से पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। ये इसका प्राइस जो है ये 3999 का है। ये दोनों मिला करके 650 रुपये के हैं, जो कि मेरा शायद अब पानी में ही चला गया। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मेरी हिमालयन 450 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।